देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। इस कमरे में दलित कितने हैं देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरा मैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। चार में से तीन ओबीसी वर्ग के हैं, बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, एक ओबीसी वर्ग के हैं और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसी की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसी के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के, नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है, उन्होंने बोला एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो यह तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा, वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार है, उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए।